Hello and assalamu alaikum in the cooklets by Huda Khan. आज हम बनाने वाले हैं हमारा बेसिक केक स्पॉन्ज विथ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी गैस पे। तो चले बढ़ते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो चले शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक प्लास्टिक का बाउल ले लेना है इस तरीके से, और उसमें एग ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाइट पोर्शन है, ये एक्चुअली ये मेन रीज़न होता है अंडा स्मेली होने का। हमें ये पोर्शन को रिमूव कर देना है क्योंकि ये केक को स्टिंकी कर देता है। अंडे को बीट कर ले 5 मिनट तक, जब तक इसका टेक्सचर फ्लफी ना हो जाए। इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे हमारा 1 कप पाउडर शुगर। उसे सीव कर ले, यानी अच्छे से छान ले और फिर ऐड करे, और 2 मिनट तक उसे बीट करे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारा 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोका पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी 1/2 टीस्पून। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती है, चॉकलेट केक में तो ज़रूर यूज़ करें इसे। अब आपने जो है इसमें पानी ऐड करना है 1/2 कप, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है हमें, और इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसकी बीटिंग स्टार्ट करनी है। लोग हमारे केक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फॉलो करें फ्रॉस्टेड मेमोरीज़ को इंस्टाग्राम पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। अब इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बीट करें। जैसे ही बीटिंग डन हो जाए, आपने केक टिन लेना है, उसे ऑयल से ग्रीस कर देना है और इस तरीके से अपना पूरा बैटर उसमें ऐड कर देना है। उसे 2 टाइम टैप करें और फिर बाद में टूथपिक की हेल्प से उसमें जो भी एयर बबल्स क्रिएट हो चुके हैं उसे हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। आपने जो है कोई भी एक बड़ा सा वेसल ले लेना है जिसमें हम हमारा केक बेक करेंगे, और उसके अंदर हमें सॉल्ट ऐड करना है ताकि हमारा जो वेसल है वो जले ना नीचे से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से टिन प्लेस किया स्टैंड पे। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट्स तक कुक होने देंगे। तो यहाँ पर हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा केक जो है वो 99% कुक हो चुका है, लेकिन हम फिर भी 1% जो डाउट है उसे क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, हमारी नाइफ जो है वो अंदर हमने प्लेस कर दी, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लेन निकली है, मतलब हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, कुक हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हमें कोई भी बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ठंडा हो गया। अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। देखिए कितने परफेक्टली ये जो है ये बाहर निकल गया विदाउट एनी बटर पेपर। हमने कोई भी बटर पेपर नहीं लगाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट बना है। देखिए मैं आपको कट करके भी बता देती हूँ, जो है इसका एक्स्ट्रा पोर्शन भी मिल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज जो है वो कितना ज़बरदस्त बना है। एक्स्ट्रा पोर्शंस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये केक बनाया। डैडी के ईयर्स मैंने एक्स्ट्रा पार्ट से ही बनाया। तो चले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।